नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। झमाझम और जोरदार बारिश, जी हाँ, ऐसी बारिश जिसका मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में आपको नज़ारा देखने को मिलता है वह हम आपको दिखा रहे हैं। यह हाईवे है, झांसी का शिवपुरी हाईवे है। आप देख सकते हैं कि जो बारिश है वह कितनी तेज़ है। आज यह बारिश ऐसा लगता है जैसे झांसी में जल प्रलय के रूप में सामने आ रही है, क्योंकि जो इलाके हैं झांसी के, शहर सीपरी सदर सभी जगह पानी इतना गहरा भर गया है कि लोगों का निकलना मुश्किल है। और हाईवे पर भी आप देख सकते हैं कि जो वाहन दौड़ रहे हैं वह पानी में इतने लबालब तरीके से दौड़ रहे हैं। और ये देखिए कितनी तेज बारिश है। इस हाईवे का हम आपको जो नज़ारा दिखा रहे हैं वह देखने के बाद आप अंदाज लगा सकते हैं कि इस समय जो कल रात रविवार की रात से बारिश शुरू हुई है वह सोमवार की दोपहर हो चुकी है, एक बज चुका है। अभी तक झमाझम बारिश जारी है। यह आप देख सकते हैं कि यह झांसी का हाईवे है। जी हाँ, हाईवे है। और हाईवे पर किस प्रकार से पानी में सड़क डूब गई है और जो वाहन है वह कितने पानी में चल रहे हैं, यह आप देखिए। ये सामने देख सकते हैं कि जो लोग आ रहे हैं, टू सीटर टेम्पो, इनकी जो पहिए हैं वह पूरी तरह से डूबे हुए हैं। बहुत जोरदार तरीके से बारिश जारी है। और गली मोहल्ला का हम आपको हाल दिखाते हैं, वहाँ तो 3 से 4 फुट तक पानी भरा हुआ है। हर जगह पानी पानी, चारों तरफ आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। ऐसा लगता है जैसे झांसी में जल प्रलय आ गई हो। यह आप कॉलोनी की, जो कि झांसी की प्रतिष्ठित आवास विकास कॉलोनी है, आप उसका यह नज़ारा देखिए। यह लगता नहीं है कि कहीं से भी, यह झांसी की वीआईपी कॉलोनी है जहां पानी ही पानी है, चारों तरफ पानी है। गली लगभग डूबी हुई है क्योंकि चारों तरफ आप खुदाई के चलते देख सकते हैं सड़क की कितनी खराब हालत है। आप देख सकते हैं कि पानी में सड़क पूरी तरह से डूब गई है और इसमें कहीं से आपको सड़क अगर नज़र आ जाए तो हमें ज़रूर बताइए। जबकि यह गली के अंदर का नज़ारा है और मुख्य मार्ग का हम आपको नज़ारा दिखाएंगे। इसे देखने के बाद आपको शायद ही यकीन हो कि फिलहाल झांसी में ऐसे बुरे हालात हो जाते हैं। ये देख सकते हैं आप, जो मुख्य मार्ग की सड़क है, कॉलोनी के मुख्य मार्ग की सड़क जिसे कहा जाता है, ये देखिए आप कितनी डूबी हुई है पानी में। कहा जा सकता है कि वाकई में बारिश के समय झांसी में जल प्रलय आती है। इस मामले में निश्चित तौर पर ही हमारे जनप्रतिनिधियों को सोचना पड़ेगा कि क्या हम झांसी वासियों के साथ न्याय कर पाते हैं। मार्केट संवाद के लिए अनिल मौर्य की रिपोर्ट, झांसी।